स्वागत है आपका A9 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नास फातिमा। और बजरंग दल के लोगों की तरफ से ये जो खौफ का माहौल बनाया जा रहा है, इसे आप साबित क्या करना चाहते हैं? क्या आपने समझ रखा है कि मुसलमान कौम चूड़ियां पहनकर बैठी है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम अगर खामोश हैं तो यह हमारी इंसानियत है। हम इस बात के मुंतजर हैं कि तुम आज नहीं तो कल सुधरोगे, आज नहीं तो कल समझोगे। लेकिन अगर तुम समझ में नहीं आया तुम्हें, तो हम तुम्हें समझाना जानते हैं। लेकिन हम इस हुकूमत से उम्मीद लगाए हुए हैं। क्या उम्मीद है कि आज नहीं तो कल ये हुकूमत इनको समझाएगी, इनको बताएगी। ये RSS के गुंडे, ये बजरंग दल के गुंडों को इनको बताएगी कि ये जुल्म बंद करें। ये कम्युनिटी को टारगेट करके, जिस कदर आप रामनवमी के नाम पर, एक रामनवमी का जैसा कि एक हिंदू मजहब के अंदर एक पवित्र मजहब एक ये बनाया जाता है, एक ईद के तौर पर जो मनाया जाता है, आप इस चीज़ को भी हिंदू भाइयों में जो कि एक सेकुलर माइंड रखने वाले हैं, सेकुलर जिंदगियां जो लोग करने वाले हैं, उनके लिए भी जो है एक पीस का माहौल नहीं पैदा कर सक रहे आप, तो आप लोग क्या हिंदू की हिफाजत करोगे? आप लोग क्या हिंदू के दावे करोगे? आप हिंदू नहीं है, बल्कि आप हिंदू की शक्ल में, आप हिंदू के नाम पर एक शैतान है जो कि आज हिंदुस्तान के माहौल को बर्बाद करना चाहता है और इस देश को बर्बाद करना चाहता है। लेकिन ये जो PFI वाले हैं और जो मुल्क के अंदर और भी ऐसे लोग हैं जो मुल्क की हिफाजत करना जानते हैं, वो हमेशा आपके खिलाफ लड़ते रहेंगे। और मैं साथ ही साथ हमारे मुल्क के अल्पसंख्यक को ये बताना चाहता हूँ, अकलियतें जो हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जितना आप लोग दबते चले जाओगे उतना आपको दबाया जाएगा। आप हिम्मत से आगे बढ़ें, आप डरे नहीं, किसी से डरे नहीं। अगर इस देश में कानून है तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे, हम कानून के दायरे में रखकर काम करेंगे। अगर हमें अरेस्ट करना चाहते हैं तो कर लें, हम जेल भरो आंदोलन फिर से चलाएंगे। हम इस देश को आज़ाद करने का पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे, क्योंकि अंग्रेजों के हम लोगों ने कुर्बानी देना छोड़ दिया। उस गाय को आपने कत्ल करके एक्सपोर्ट करना, बीफ एक्सपोर्ट के अंदर आज इंडिया सबसे अव्वल नंबर पर है। तो आज ये बीफ एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहा है? नहीं, मुसलमान के नाम पे सारे ये RSS के कंपनियां हैं जो बाहर देश को बीफ पहुंचाते हैं। अपने काम को अंजाम देने के लिए, अपने काम में आसानी पैदा करने के लिए तुमने कम्युनिटी को टारगेट बनाकर उनको बीफ खाना बंद करा। मुसलमान ही नहीं बल्कि दलित और हिंदू भाई भी बीफ खाते हैं, जबकि भगवत गीता में भी इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि आप बीफ खा सकते हैं। लेकिन आपने तो भगवत गीता पढ़ी ही नहीं। आप इस मामले को बिगाड़ने के लिए, माहौल को बिगाड़ने के लिए आपने एक मुद्दा उठाया कि हर गवर्नमेंट स्कूल में एक भगवत गीता को लाना जरूरी है। भगवत गीता लाने से हमें ऐतराज नहीं। अरे पागल हो, जो भगवत गीता की तुम बात कर रहे हो उस भगवत गीता को पहले तुम पढ़ो। वो क्या तुम्हें सबक देना चाहती है उसको सीखो। अगर तुम उसको सीखेंगे, अगर तुम उसको पढ़ेंगे, अगर तुम उसको उसकी इलम को जानेंगे, तो तुम ये दहशतगर्दाना माहौल नहीं पैदा करेंगे, दहशतगर्दी को छोड़ देंगे। क्योंकि कोई मजहब, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, कोई भी मजहब दहशतगर्दी को पसंद नहीं करता। कोई भी मजहब जो है दहशतगर्दी का सबक नहीं देता। किसी मजहब ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी है। लेकिन आप एक मजहब का नाम लेकर, एक कम्युनिटी को लेकर, आप एक चीज़ को टारगेट करके, जो मुसलमानों को टारगेट करके जो है आप जुल्म कर रहे हैं, इस जुल्म को जो है आप बंद कीजिए। अगर आपके दिलों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत है हिंदू भाइयों के लिए, तो हाल ही में जो हाल संतोष पाटिल के साथ हुआ, जिसके एक बहुत बड़ा फंड के ताल्लुक से 40% आपके ईश्वरप्पा जो मिनिस्टर है, ईश्वरप्पा ने जो है 40% कमीशन मांगी। अगर आपके दिल में मोहब्बत है तो उसके ताल्लुक से सोचो। उसके मर जाने के बाद भी किसी RSS के लीडर ने या फिर किसी गवर्नमेंट के लीडर ने जाके उनसे मुलाकात तक नहीं की, उनके फैमिली वालों को तक नहीं मिला, उनको फंड तक नहीं दिया, जबकि उनका जो आने का फंड था वो तो नहीं दिया। और ऊपर से उनके तरफ से 40% की कमीशन की मांग रखने की वजह से आज इसकी खुदकुशी के अंदर इनका एक बहुत बड़ा हाथ है। नाम लिखकर वो इंसान जो है मर गया, बल्कि सिर्फ इसका खुदकुशी में नाम नहीं है। जब किसी को खुदकुशी करने पर मजबूर करना एक मर्डर करने के बराबर है। आज ऐसे मर्डरर जो है ना हुकूमत में बैठे हैं, और हुकूमत मजहब के अलग अलग NGOs के लोग जो है एक महीने के अंदर बीजापुर में कई सारे प्रोग्राम्स किए, कई सारे बड़े बड़े रैलीज किए। मैं आज की एक मिसाल देता हूँ, आम आदमी पार्टी जो है पूरा बीजापुर का एक रैली किया, जो उनका हक है, ये इंडियन लोगों का हक है, अचूक चिकन जो है रेट देता है। ये देश के अंदर मुसलमानों के भी उतना ही हक है जितने आम आदमी को है, जितने BJP को है, जितने यहाँ के MLA को है, यहाँ के एक आम नागरिक को भी उतना ही हक है। क्या यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट किसी को रोक नहीं सकता? आप लोग, हम लोग आपके पास आते हैं इंटीमेशन और परमिशन के लिए, तो आप लोग भी हम लोगों को कोऑपरेशन करना है। आप लोग नहीं करके जो है, हमारे पपुलर फ्रंट के जिम्मेदार को एक कॉल आया था मेरे सामने, उनको बोले थे पुलिस वाले आप लोग नहीं करना है, ये इंसाफ के खिलाफ है, जुल्म के खिलाफ। हम लोग बात नहीं करें तो कौन करेगा? हम लोग देख सकते हैं कई सारे पुलिस डिपार्टमेंट वालों के ऊपर भी आप लोग इनके हुकूमत की और RSS की अगर आप लोग दलाली करेंगे तो आप लोगों के इनके निशाने पर रहेंगे आप लोग। लेकिन याद रखिए, 4 साल पहले का बाकी है कर्नाटक के अंदर का IPS ऑफिसर जो है फांसी लगाकर सुसाइड किया है बेंगलुरु के अंदर,
इसी तरह हम कई एक मिसालें देख सकते हैं। और खबरों के लिए जुड़े रहिए A9 न्यूज के साथ।